हाय नमस्कार, व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आपने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा कि जो मेरा आज का वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ऑल्सो। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारी स्किन केयर रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बात कर रही हूँ टोनर के बारे में। फेस वॉश तो हम लोग बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं कि यार कौन सा फेस वॉश अच्छा है, हम बहुत लोगों से सजेशंस भी ले लेते हैं, एंड देन एट द एंड हम आ जाते हैं कि चलो वी हैव अ वेरी गुड फेस वॉश। बट हम एक अच्छे टोनर की इम्पॉर्टेंस को हमेशा निगलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो इवन टोनर यूज़ भी नहीं करते हैं, दे जस्ट अप्लाई द फेस वॉश एंड देन दे डायरेक्टली अप्लाई द मॉइस्चराइजर, वो टोनर की इम्पॉर्टेंस को भूल जाते हैं। तो वही इम्पॉर्टेंस मैं आपको बताने वाली हूँ आज। देखो बेसिकली टोनर क्या करता है, व्हेन वी वॉश आवर फेस ना, तो हमारे जो पोर्स होते हैं, क्योंकि हमारे फेस वॉश का जो बेसिक टेंडेंसी वही होती है कि पोर्स को क्लीन करता है। अब जब वो पोर्स को क्लीन करता है तो पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, उससे डर्ट पूरा क्लीन हो जाता है। सो अब जब वो पोर्स ओपन अप हो गए एंड देन यू अप्लाई डायरेक्टली द मॉइस्चराइजर, आपने क्या किया, कोई भी ऑयल बेस्ड कैसा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। उस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, वो क्लॉक कर देता है पोर्स को। आपने उसको प्रॉपर पैक नहीं किया और आपने डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब क्या हुआ, मॉइस्चराइजर लगाने से क्लॉग हो गए पोर्स एंड देन ब्रेकआउट्स एंड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये जो पोर्स को आप बंद करने की जो ये प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं टोनिंग। और टोनिंग अब आपको समझ में तो आ गया होगा, इट्स वेरी इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। सो टोनर बेसिकली क्या करता है कि आप जब उसको वॉश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद जब आप टोनर अप्लाई करते हो तो आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं वो पैक हो जाते हैं, एंड जब वो पैक हो जाते हैं प्रॉपरली तो आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो मॉइस्चराइजर आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। अब बात आती है कि यार फिर हम कौन सा टोनर यूज़ करें। सो बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे। If you have a very sensitive skin, dry skin, according to that, many of the toners are available. लेकिन आज जो मैं जिस टोनर के बारे में बात करने वाली हूँ ना, that is a homemade टोनर। और अगर आप टीनेज में हो, एकदम से आप अपने चेहरे पे कोई प्रोडक्ट्स, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स या बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते, और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि आप होममेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। सो आज मैं जिस टोनर की बात करने वाली हूँ वो मैंने घर पे बनाया है, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव टोनर। सो बिना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने उस टोनर में क्या क्या यूज़ किया है। सो द इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैव यूज्ड इन द टोनर्स आर द टू इंग्रेडिएंट्स, और जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज फर्स्ट द पतंजलि का एलोवेरा जेल, यू कैन यूज एनी एलोवेरा जेल, नो प्रॉब्लम विद दैट, एंड देन द सेकेंड वन इज द रोज वाटर। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सो आप अराउंड 42 रुपीज़ का आपको कुछ 1 ml वो रोज़ वाटर मिल जाएगा, एंड दिस इज़ अराउंड 80-90 रुपीज़। इतने में तो आपका अराउंड 2-4 मंथ्स का टोनर बन जाएगा। सो आपको क्या करना है बेसिकली, कि आपको टोनर बनाने का मैं तरीका बताती हूँ कि कैसे बनाना। आप पतंजलि का एलोवेरा जेल है तो आप इसको लीजिए, मतलब 50 ml, if you are taking it 50 ml, then the quantity will be double of this rose water. फिर क्या करो, आप properly इसको मिलाओ, stir करो, and एक liquid form होगा जो कि मैंने already बना के रखा हुआ है, और किसी भी इसे bottle में fill कर सकते हो। So ये बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल भी अगर आप देख सकते हो तो कोई भी इसमें ऐसा आपको लाइट है, बहुत हाइड्रेटिंग है, और एलोवेरा जेल जो है वो इजीली, अगर आप ये वाला जेल यूज़ करोगे तो इजीली मिल जाएगा। जब भी बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप ये टोनर यूज़ करो उससे पहले इसको प्रॉपरली शेक कर लो, बिकॉज क्या होता है, थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि एलोवेरा नीचे सेटल डाउन हो सकता है, तो उसे यूज़ करने से पहले आप अच्छे से इसको शेक कर लो, और दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। इवन आप इसका एक और ना बहुत सही वाला बेनिफिट है जो मैं बताती हूँ। अब क्या होता है कि हम लोग बहुत मेकअप करते हैं तो, लेकिन हम मेकअप सेटर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मेकअप तो हमने अप्लाई कर लिया, बट मेकअप को सेट रखने के लिए हम क्या करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप सेटर दैट आई हैव यूज्ड। मैंने बहुत सारे मेकअप सेटर्स यूज़ किए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, बट ये पर्सनली बहुत अच्छे से मेकअप सेट करता है। प्लस ये बहुत ज़्यादा एक मतलब आपको ऐसा ड्राई इम्पैक्ट देगा काफ़ी जल्दी, ऐसा कुछ वेट आपको फील नहीं होगा इसको स्प्रे करने के बाद। सो एक बार आप यूज़ करके देखो, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी वाई मेकिंग दिस,
एंड इफ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज आप ऐसे वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते ना, तो ज़रूर प्रेस करो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ.